चलिए तो चैप्टर नंबर 12 उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है। 13 पे थे पहले हम, अब 12 पे आ चुके हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स है हमारा चैप्टर, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट आपने देखा होगा ये, है ना। सो देखते हैं इसके बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन देखेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ भी आज हो सका देखेंगे, यानी हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क वगैरह, ये चीजें हम देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में वैसे तो बातें हम सब तीनों टाइप्स के मैटर के बारे में कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन जनरली जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में वो आपस से गैसेस के बारे में ही पढ़ेंगे ना। सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? यस नो मान, सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो थर्मो डायनामिक्स क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, पता है क्या किसी को, क्या बोल सकते हैं? थर्मो का मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या? हीट, यस। और डायनामिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? मोशन। ठीक है, मोशन हो गया, इसका मतलब हम हीट को चलाएंगे, है ना। वही वर्क हो गई, है ना। जैसे हमारे पास काइनेटिक्स में चीजें चलती थी, हमारी चीजें इधर उधर से भागती थी, दौड़ती थी, वही सारी चीजें होगी, है ना। ऐसा होगा क्या? सो आई थिंक ऐसा नहीं होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर जनरली, आपको पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आप हीट को कैसे जनरेट कर सकते हो बताओ, क्या करके आप हीट जनरेट कर सकते हो? यस, क्या करना पड़ेगा आपको हीट जनरेट करने के लिए? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, कैसे हीट जनरेट करोगे? यस, वर्क डन करोगे। ठीक है, यूं मत बोलना आग लगा दोगे, ठीक है, आग है ना। तो उससे तो हीट होगी, इसकी बात है, जनरेट होती। तो हीट जनरेट करने के लिए वर्क डन करते हैं, जैसे आप हाथों को रब करोगे तो हीट जनरेट होगी, है ना। बढ़िया, सब कर रहे होंगे आजकल हाथों को रब बढ़िया से, ठीक है। सो हीट और वर्क का जो इंटरचेंज होने लगेगा, ठीक है ना, उसके बारे गुड में हम मॉर्निंग सर। पढ़ाई करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। सो कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है? या तो हम, है ना, हमारे हैंड को रब कर रहे, तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है, क्या कर रहे हो? इसमें हम वर्क कर रहे हैं ना, हाथों को आगे पीछे कर रहे हैं, वर्क किया तो क्या जनरेट हुई? गर्माहट मिली हमें, हीट। ठीक है, अब उल्टा कोई प्रोसेस बताओ मुझे जिसमें हीट से हम वर्क कर रहे हो। यस, हीट से हम वर्क कर रहे हो, क्योंकि उसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए ना भाई। स्टीम इंजन, इंजन का नाम सुना है? यस, स्टीम इंजन। जब हम हीट देते हैं जब तो पानी वगैरह उबलता है तो हाँ, उसके अंदर हमारा जो फिजिकल वर्क है ना, उसके बारे में बात करी जा रही है बेटे, ठीक है ना। जहां पर हमारी चीजें घूमने बढ़ने लगे, है ना। ऐसे तो काम हमारे बहुत चीज होते हैं, लेकिन हमारा फिजिक्स का जो काम होता है ना, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। तो इस बारे में बात करी जा रही है इस कॉन्स्टेंट में। तो स्टीम इंजन जो होता है उसके अंदर हीट होती है, हीट से ही हमारा इंजन वो चलता है। तो हीट जनरेट हुई तो हमारा जो गाड़ी, जो रेल है, ठीक है, वो मूव करी, ठीक है। तो मूव करने का मतलब डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेस हुई तो क्या हुआ? वर्क हुआ, ठीक है। तो स्टीम इंजन में होती है हीट, हीट से बनता है हमारा मूविंग रेलगाड़ी, ठीक है। सो इतनी बात करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। वर्क का एक्सचेंज होगा हीट के साथ में, और जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चीजों की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्या होती है बताइए? मैक्रो एंड माइक्रो, नाम सुना है? यस, सर छोड़ ठीक है। तो जो चीजें हमारी बड़ी बड़ी हो वो माइक्रोस्कोपिक, जैसे इसके अंदर हम प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम, मास वगैरह वगैरह, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इन चीजों की बात करेंगे। छोटी चीजों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन वगैरह वगैरह, है ना, इन दो छोटी चीजों की बात नहीं करेंगे, माइक्रो में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। माइक्रो में नहीं जाएंगे, ओनली मैक्रो पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या समझे, थर्मोडायनेमिक्स क्या हो सकती है, क्या कैसे डिफाइन करे जाए इसको? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस के दो, ठीक है ना,
जो कि डील करती है एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज, ठीक है ना, हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और कन्वर्टर ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क, है ना, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है हमारी थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, क्लियर है, यस बढ़िया। ठीक है, सो एक होता है बच्चों थर्मोडायनामिकल सिस्टम, क्या होता है ये बताएगा किसी को? देखो जिस चीज के ऊपर हम, सर, हाँ बताओ बताओ बताओ। अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, अगर वो आग लगाते हैं, अगर वो पानी ऐसे उबल रहा है या कोई पार्टिकल होते हैं गर्म उससे करते हैं, तो उनके बीच में सर वो मतलब कि जैसे हीट जो होती है ना, जो ठीक है, वैल्यू हीट मतलब इधर कि उधर कंटेन जा रही करते है ना। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अगर बात करें हम, तो ये वो चीज है या वो जगह है हमारी दुनिया की, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, ये वो जगह है, ठीक है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। एक छोटा सा सिस्टम हमने लिया जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग यानी कि इसके बाहर की दुनिया से हीट को और एनर्जी को ले दे सकते हो, जरूरी नहीं है ले दे रहे हो, लेकिन ले दे सकते हो, हीट या एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन, सिस्टम, ठीक है, दिस इज अवर सिस्टम, और सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, क्लियर है, यस। तो ये है हमारा सिस्टम। अब सिस्टम के बाहर की बात करें तो ये बाकी की दुनिया इसकी क्या है, सराउंडिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी सराउंडिंग, ठीक है। अब हम जैसे हमारा घर है और घर के बाहर तो फिर सारी की सारी दुनिया ही है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर मिला दे तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्स दुनिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्स, बढ़िया, ठीक है। तो सराउंडिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, और सिस्टम हमारा जो भी मतलब उसको बिजनेस करना होता है वो सराउंडिंग के साथ ही करता है ना, तो ये कहानी है। और हमारे पास सिस्टम के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अब सराउंडिंग को कैसे डिफाइन किया जाए, तो सराउंडिंग होती है हमारी, व्हाट इज सराउंडिंग, जो कि सिस्टम से बाहर की चीज हो, ठीक है, तो एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मो डायनामिक्स, ठीक है, सिस्टम टू विच एनर्जी और मैटर इज एक्सचेंज, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एनर्जी एनर्जी को हम एक्सचेंज करें, है ना, हमारा जो मैटर है मास वगैरह ये भी एक्सचेंज हो सकता है, टू विच एनर्जी और मैटर एक्सचेंज, ठीक है। तो सराउंडिंग ये चीज है जिसके साथ हमारे हमारी एनर्जी को और मैटर को एक्सचेंज करते हैं, तो दिस इज आवर सराउंडिंग, ठीक है। अब हमारे जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसके बेसिस के ऊपर हम हमारे सिस्टम्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, याद है सबको कौन कौन से सिस्टम होते हैं? यस, कौन कौन से थ्री सर, ओपन क्लोज यस, इसोलेटेड बढ़िया, ठीक है। सो ये मैं घर के रसोई का सामान उठा के लेके आया हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है सबको, तो इनमें से कौन कौन सा ओपन सिस्टम होगा, कौन सा क्लोज होगा, कौन सा आइसोलेटेड होगा, देखते हैं, ठीक है ना, सर, कुकर होगा क्लोज और ये होगा यस। ओपन, ये वाला सर्कुलेटरी। अरे यार आइसोलेटेड, ठीक है, तो ये है हमारा एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, तो ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। सर सर
और ये है हमारा ओपन सिस्टम, और ये है हमारा, सर हाँ जी बोलिए, और ये है हमारा क्लोज सिस्टम। बोलो ना भाई। ठीक है, सो ये कहानी है। अब यहां पर क्लॉज से क्या समझे भाई? यहां पर क्लॉज के अंदर जब हम बात करेंगे तो यहां पर से सिर्फ हम एनर्जी या हीट को ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारे जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं होगा, है ना भाई? जब कुकर में दाल पका रहे हो तो उसका एनर्जी बढ़ रही है सराउंडिंग के साथ, वो बाहर उसकी एनर्जी जाती भी है, लेकिन हमारी ऐसे तो नहीं है कि दाल बाहर निकल के गई है, या फिर पानी उबाल रहा हूँ तो पानी बाहर भाग रहा हो। ठीक है, जब तक सीटी नहीं आएगी तब तक नहीं भागेगा। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ओपन सिस्टम में बात क्या कह रहे हैं? ओपन में एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, हीट एंड मैटर या एनर्जी एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ में। और आइसोलेटेड में, इसमें जैसे हमारे सिलेंडर में गैस भरी होती है तो भाई सर्दी हो या गर्मी एक ही बात रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है ना? तो यहां पर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स के हमारे सिस्टम हो, ये इनकी बातें लिखी हुई है। ओपन सिस्टम जो कि एक्सचेंज करता है एनर्जी एंड मैटर, यस, ठीक है, विद द सराउंडिंग, और यहां पर क्लोज में ओनली एनर्जी होती है, और यहां पर दोनों ही नहीं होते हैं आइसोलेटेड के अंदर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब कुछ चीजें होती है बच्चों हमारे पास, ये देखो ये बाकी चीज है, समझ सकते हो इससे कि क्या क्या हुआ। सिंपल सिंगल डायग्राम है एक, उसमें पता पड़ रहा है कि हमें क्या क्या होने वाला है ना? तो क्लियर है ये चीज तो सिस्टम के बारे में, ओपन क्लोज, सर है ना? तो अब बात यस करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? याद है क्या किसी को क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? कोई तो बताओ, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जैसे दो सिस्टम है सर, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे उनका सेम टेम्परेचर होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, सब सभी यही कहते हैं। अगर मैं कहूं कोई एक सिस्टम है, यस, हीट उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, कांस्टेंट है हमारा टेम्परेचर, हो गया, ऑल राइट, बढ़िया बढ़िया, हीट ट्रांसफर, हीट गेन कांस्टेंट हो गया, ये भी ठीक। लेकिन एग्जैक्टली क्या हमेशा टेम्परेचर की बात करी जाएगी क्या? देखो कोई भी सिस्टम हो तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो रखता है। अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे टाइम के साथ नहीं बदल रही है, ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। अरे यार एक चीज हम देखते थे ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? हाँ जी, कोई एक बॉडी है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? मतलब इसके ऊपर फोर्स जीरो हो, है ना, इसका टॉर्क जीरो हो, घूमेगी भी नहीं, मूव भी नहीं करेगी, एक्सिलेशन उसके सेंटर ऑफ मास का जीरो हो जाए, और एक्सिलेशन, एंगुलर एक्सिलेशन भी इसका जीरो हो जाए, तब हमारी कोई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहती है ना? तो ये सिंगल बॉडी की बात करिए भाई, अब जरूरी थोड़ी हम यहाँ पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में दो दो की ही बात करें। दो में आपने बोला जो कि टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अगर मेरे पास एक सिंगल ही सिस्टम हो तो, ठीक है, जिसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, मास एम है, टेम्परेचर टी है, इसके पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एन मोल्स हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? बोलो भाई, बाहर पूरी दुनिया है और ये अकेली चीज ले ली मैंने, तो अब ये बदल ही नहीं रही है टाइम के साथ में, ठीक है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नॉट चेंजिंग विद टाइम, है ना? तो नॉट चेंजिंग विद टाइम, पी वी एम टी एन,
नॉट चेंजिंग विद टाइम। ये कांस्टेंट होंगी जब भी होगी। हाँ बता रहा हूँ मैं, ये सिंगल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर भी तो सिंगल बॉडी की बात करी ना, डबल की तो कोई भी कह सकता है, दो सिस्टम थे, एक इधर था, एक हायर टेम्परेचर पे था, एक लोअर पे था, बहुत टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम बात। अकेले की क्या बात करें हम, अकेले की ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब कांस्टेंट होंगी, टाइम के साथ में बदल नहीं रही होंगी, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यहाँ पर जो ये देखो, देख रहे हो वॉल है ना, ये जो वॉल है हमारे पास, जो फिजिक्स में वॉल्स होती हैं जो कि हमारे सराउंडिंग को या सिस्टम को अलग अलग करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो वॉल है नॉन कंडक्टिंग वॉल है। नॉन कंडक्टिंग मतलब हाँ, रियल और वर्चुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल मतलब जिसमें से कोई हीट का फ्लो ना हो, नो हीट फ्लो, ठीक है। जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। तो ये कहानी कब पॉसिबल होगी, जब यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल हो, ठीक है ना। एडियाबेटिक वॉल हमारी हीट को एक्सचेंज नहीं करने देती, यस नो मान, ठीक है। और इसके उलट एक और वॉल होती है जो कि कंडक्टिंग वॉल या डायथर्मिक वॉल कहलाती है, वो बढ़िया से हीट को हमारे आने जाने देती है, ठीक है। तो ये है हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी, है ना। तो चलो, ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कुछ बात। तो दो सिस्टम अगर मैं बना रहा हूं, अब वही वाली बात आपकी, ठीक है। यहां पर अगर मैं एडियाबेटिक वॉल लगा दूं, ठीक है, यहां पर मेरा कुछ ए सब्सटेंस होगा, यहां पर बी होगा, इसका प्रेशर ए, वॉल्यूम वी ए, टेम्परेचर टी ए, इसका प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी एंड टेम्परेचर टी बी हुआ, ठीक है ना। तो ये बातें हुई, तो क्या टाइम के साथ में इसका टेम्परेचर बदलेगा क्या, और इसका भी बदलेगा क्या, बोलो। बोलो बोलो बोलो, एडियाबेटिक वॉल लगाई है हमने, यस, ठीक है ना। तो टाइम के साथ में ये हमारा जो है टी ए इज नॉट इक्वल टू टी बी है, लेकिन ए एंड बी जो है हमारे क्या है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गए हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि बाकी चीजें क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है ना। टेम्परेचर बराबर नहीं है तब भी थर्मल इक्विलिब्रियम लग गया भाई, ये क्या हुआ। अब मैं दूसरा सिस्टम लू जिसमें मैं लगाऊंगा डायथर्मिक वॉल, इसी का भाई, इस तरीके से मेरे ये डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या होती है, बोलो। डायथर्मिक वॉल क्या होती है, कंडक्टिंग वॉल होती है, यस कंडक्टिंग वॉल होती है ना। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक है, ये कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ पर प्रेशर ए और वॉल्यूम वी ए, टेम्परेचर टी ए, प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा पी बी, वॉल्यूम वी बी, टेम्परेचर टी बी, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो अब यहाँ पर डायथर्मिक वॉल है, तो हमारा इसका टेम्परेचर अगर हाई है और टी बी लो है, तो हीट इधर से इधर जाएगी, ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बहुत टायर बाद, ठीक है, आफ्टर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ए और बी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बिरोबर है ना। अब बिरोबर हो गया, तो यहां पर क्या प्रेशर पी ए रहेगा और वॉल्यूम वी ए रहेगा क्या, यहां पर प्रेशर पी बी और वॉल्यूम वी बी, और मैं कहूं तो बदल जाएगा। तो अरे भाई, चार्ल्स बॉयल्स सबको भूल गए। तो
टेम्परेचर चेंज हुआ है कुछ है ना, केमिस्ट्री में। हाँ तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज होगा भाई, पी ए डैश वी ए डैश पी बी डैश वी बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे टेम्परेचर बराबर हो चुके हैं तो ए एंड बी वापस से थर्मल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं था, आने लगा था, फिर यहाँ पर ए एंड बी क्या गए थर्मल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो ऐसी कहानी होती है। वॉल समझ में आ गई, एडियाबेटिक डायथर्मिक समझते हो। यस यस सर। चलिए बढ़िया, ठीक है और आगे की कहानी देखते हैं। ऑल राइट, तो ये रही हमारी कहानी लिखी हुई थर्मल इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं वो डू नॉट चेंज विद टाइम है। ठीक है, और अलग से हम बोल सकते हैं क्योंकि दो सिस्टम्स की बात करते हैं हम जनरली, है ना, तो वो उनका टेम्परेचर आदान प्रदान जब रुक जाता है तो वो हो जाता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये कहानी। जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ जानते हो क्या, व्हाट इज जीरोथ लॉ? और ये देखो वहां पर गैसेस के बारे में हमने बात करी थी, तो ये सॉलिड के अंदर भी सच है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक ब्लॉक लिया हायर टेम्परेचर के ऊपर, एक ब्लॉक लिया लोअर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना, दोनों को चिपका देंगे, हीट का ट्रांसफर होगा इधर से इधर, ठीक है, दोनों एक कॉमन टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगे, टी एंड टी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड के अंदर भी सच है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज दिस? ठीक है, अगर मैं और नोमान वैभव के दोस्त हैं तो नोमान और मैं भी क्या हो जाएंगे, वैभव के दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको जीरोथ क्यों बोला गया, सर क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद में आया है, और लेकिन ये फंडामेंटल लॉ है, इससे हमें ज्ञान होता है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर का पता लगता है हमें, इस वजह से इसको जीरोथ लॉ बना दिया गया। इसको थर्ड नहीं बोल सकते थे क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बाद में आया तो थर्ड बोलना चाहिए था, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कहानी हो रही थी वहां पर हमारे पास पहले बहुत टाइम पहले, जिसमें वो कैलोरिक कैलोरिक बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, तो कुछ इस तरह की चीज होती थी कि हॉट बॉडी के पास कुछ होता है और कोल्ड बॉडी के पास भी कुछ होता है। ठीक है, वो एक फ्लूड होता है, एक कैलोरिक फ्लूड टाइप का, जो इधर से उधर ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे कहानियां थी, थ्योरियां थी कि क्या हो क्या रहा है भाई, समझ भी नहीं आ रहा था, कुछ चीजें ठंडी हो जाती हैं कुछ गर्म हो जाती हैं इस वजह से। ठीक है, तो वहां पे बाद में पता पड़ा कि ये भाई सब टेम्परेचर है ना, जिसने सबको परेशान कर रखा था। तो व्हाट इज जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सबके टेम्परेचर बराबर। ठीक है ना, सो बढ़िया, द थर्मोमीटर बनाने के काम आता है ये, और ये हमें लेके जाता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ। इट लीड्स टू कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और इसी लॉ की वजह से हम है ना टेम्परेचर बता सकते हैं। ठीक है ना, हम टेम्परेचर बता सकते हैं, थर्मोमीटर में यूज होता है। ठीक है, थर्मोमीटर भाई हमारे एक रूम टेम्परेचर पर रखा होता है, फिर हम उसको किसी बॉडी में लगाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो उसका टेम्परेचर बताने लग जाता है, तो थर्मोमीटर के अंदर यूज हो जाएगा ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 1931 के अंदर आया था ये। ठीक है, एक साइंटिस्ट है आर एच फॉलर, उन्होंने बताया था। ठीक है, सो अब बात करते हैं दो लोग जल्दी जल्दी हमारी चीजों की। तो दो सिस्टम्स लेते हैं भाई, ठीक है, ए और बी दो सिस्टम है, ठीक है ना, और इनके ऊपर एक और है हमारा सी सिस्टम। ठीक है, यहां पर लगाई है हमने ये जो वॉल है, ये डायथर्मिक है, कंडक्टिंग वॉल है, और ये वॉल है ये कौन है, एडियाबेटिक वॉल है, यानी कि ए से बी में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली
ए से सी में हो सकता है और बी से सी के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम थे। अब इनके कुछ ना कुछ टेम्परेचर होंगे, तो हमारी जो हीट है वो एक्सचेंज होगी ए से सी के अंदर और बी से सी के अंदर। ठीक है, तो ए एंड सी एंड बी एंड सी जो है हमारे, वो कुछ टाइम बाद क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद हम बात करें तो एक और कहानी हम करते हैं। अब हम करेंगे, सुनना ध्यान से, इस क्या कहानी चल के रही है ना। तो ये है सी और यहां पर है ए एंड बी। ठीक है, सो अब कर दिया हमने, इसको कर दिया हमने आइडियाबेटिक वॉल। यस, ये सी था हमारा, यानी कि ए अब सी को नहीं दे सकता एनर्जी, ले एक्सचेंज नहीं कर सकता और बी से भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। और हमने ए और बी के बीच में बोला कि जब हमने तुमको दूर किया था तो हम तुम्हें पास भी कर रहे हैं, अब हमने तुम्हारे यहाँ पर डायथर्मिक वॉल लगा दी है। ठीक है, अब तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि ना तो इसमें से हीट इधर जा रही है ना इधर आ रही है। नहीं जा रही भाई, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, यही हमारा जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि यहाँ पर ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो क्या चीज कॉन्स्टेंट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर टी ए होगा, इसका टी सी होगा, इसका टी बी होगा। ठीक है, तो ये सब के सब किसमें आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग हो या कैसा भी हो, वो हमारी हीट कंडक्टिविटी के ऊपर पता लगता है, हीट ट्रांसफर की रेट कैसी है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब बात लिखते हैं हम, ए एंड बी क्या है। यस, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले कहानी हुई, टी ए बराबर हो गया, सॉरी ए एन सी, टी ए बराबर हो गया टी सी के टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करें बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टी बी इज इक्वल टू टी सी हो गया, इनके टेम्परेचर बराबर हो गए। अब नेक्स्ट बात करें हम, जब हमने इनके बीच की दूरियां हटाई और टीसी को तो भेज दिया तुम दूर जाओ, हमें मतलब नहीं है, तुम्हें आइसोलेट कर दिया अभी हमने। ठीक है, ए और बी के बीच में बात करी, तो यहाँ पर कुछ हीट का या टेम्परेचर का या कुछ भी चीजों का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। ए और बी, बी है ए एंड बी आर नॉट चेंजिंग देयर स्टेट, आर नॉट चेंजिंग देयर स्टेट। ठीक है, जब ये कहानी हो गई, पहले वाला केस हो गया फर्स्ट वाला, उसके बाद हम सेकंड पे गए, हमने यहाँ पर डायथर्मिक वॉल लगा दी। ठीक है, काफी टाइम बाद तो हमें पता लगा, इसको तो भाई सबको हमने अलग कर दिया, यहाँ पर डायथर्मिक वॉल लगा के इनसे बोला कि तुम जाओ, ठीक है, तो एक दूसरे में मिल सकते हो, एक दूसरे के साथ जा सकते हो, बट ये नहीं गए। ठीक है, तो ये अपनी स्टेट को क्या कर रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे। जब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है। यस और नो? ठीक है, एक इंसान अपनी अपनी जगह पे रहे तो वो अपने क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब पता लगा कि जो हमारा ए एंड बी है, ए एंड बी आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टी ए बराबर हो गया टी बी के, यहां से लिख भी सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ, टी ए टी सी है और टी बी टी सी है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है टी ए बराबर टी बी होगा, यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात करें हम, अगर ए है और बी है, ये सी के दोस्त हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो ए और बी है वो भी आपस में दोस्त हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर है, दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है ना, क्लियर है, यानी कि ए सी का दुश्मन था, बी सी का दुश्मन था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोस्त हो गए, है ना, क्लियर है, सर बढ़िया। चलो, ये हो गया हमारा जीरो लॉ, इसका स्टेट ये लिखा हुआ है, बोलिए। सर है बेटा, हेलो, सर सर
आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा टाइप करके बोल दो। दोबारा समझाने की बोल रहे हो? साइंटिस्ट नेम फॉलर था, फॉलर एच फॉलर समथिंग। आरएस फोलर हाँ, तो ये केमिस्ट्री की कहानी है, हमसे ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती। बढ़िया, खैर याद होना चाहिए, हमें क्यूरियस होना चाहिए बातों के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा, टू सिस्टम ए एंड बी आर इन ईच थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सी, तो ए और बी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यही हमारी कहानी है। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों आए, इनके अंदर कुछ ना कुछ एक स्केलर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी जो हमें पता लगी इन तीनों में सेम है, क्योंकि वो तीनों क्या हो चुके थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो चुके थे, है ना। तो इसीलिए हमारा जो ये लो है हमें ले जाता है टेम्परेचर की तरफ। तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा, क्या दिक्कत है राज बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस लॉ इट इज ऑब्जर्व दैट देयर मस्ट बी अ सर्टेन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज आइडेंटिकल फॉर ऑल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वो जो स्केलर क्वांटिटी थी वो क्या थी, टेम्परेचर थी। भाई ये सब इक्विलिब्रियम में आए थे ना एक दूसरे के, तो यहाँ पर एक चीज कॉमन थी सब में, वो क्या थी, टेम्परेचर थी, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेशर इसका कुछ ना कुछ होगा, पीसी वीसी वॉल्यूम होगा। ठीक है, सबकी कहानी अलग होगी, प्रेशर वॉल्यूम और इनका जो कंपोजिशन है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन मिलेगी यहाँ पर वो क्या मिलेगी बोलो, टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना। तो ये हमें ले जाता है टेम्परेचर की तरफ, टेम्परेचर को इसने बताया। अब टेम्परेचर को हम पहले बोलते थे ना मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो इसको हम एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, दिस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज आइडेंटिकल फॉर ऑल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये भी हमारा टेम्परेचर होता है ना। तो ये हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका। इसके बाद हम देखेंगे हीट के बारे में, हम बचपन से जानते आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इधर से उधर जाती है, ये बाकी सारी चीजें क्लियर है हमारे। ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाती है, ठीक है, पढ़ चुके हैं इस चीज को हम। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने बोला था कि गैसेस के बारे में ज्यादा बात करेंगे हम, वाह थर्मोमीटर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे हम, तो गैसेस की इंटरनल एनर्जी को इस फॉर्मूले से हम दिखा सकते हैं, वो मोलर स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला था ना। ठीक है, तो वही से। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में हमारी दो चीजें एक्सिस्ट करती हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आइडियल गैसेस की बात करें तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो जस्ट वहां पर कौन काम करती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 3/2 RT या फिर KT लिख सकते हो, है ना। ये सिंगल बॉल के लिए है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं KTG के अंदर, वही कहानी है। तो यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे आइडियल गैसेस के बारे में ही। सो ये चीजें लिखी हुई है, इंटरनल एनर्जी में होता है मोलिकुलर मोशन और मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वाला, है ना। सो इस तरह की कहानी होती है आइडियल गैसेस, ये सारी बातें हमें पता है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल, तीन चीजों की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना। और इसके बाद हम बात करें इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे जो मॉलिक्यूल है उसके कन्फिग्रेशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से, पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन आइडियल गैस में क्या होती है, फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो जीरो। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, वो स्टेट फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन समझते हो, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करे उसकी वैल्यू, है ना। सर, और स्टेट स्टेट फंक्शन यानी कि सर इनिशियल और फाइनल स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर ही ये डिपेंड करे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर पीवी डायग्राम हमारे पास है, ठीक है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर ऐसे भी जा सकते हैं हम, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन जब ए के ऊपर देखेंगे तो
जो इंटरनल एनर्जी है वो यू ए ही रहेगी और यहाँ पर यू बी ही रहेगी, भले ही किसी भी पाथ के अलोंग जाओ। तो ये स्टेट फंक्शन है हमारा, जो कि हमारी स्टेट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। किस रास्ते से गए इनको पता नहीं है, क्योंकि मंजिल पे पहुंचना है ना। एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जो कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की पीवी के लिए हमें मिल जाता है। तो एक साइक्लिक कर्व मिलता है हमें, ठीक है। तो इसमें भी इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी सर और पूंछ का ही पता नहीं है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन, बेटा इंडिपेंडेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ फंक्शन नहीं है, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द, और ये कौन सी है, दिस इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। सो ये कहानी है। सर ऑलराइट, बढ़िया, ठीक है। सो ये सारी चीजें लिखी हुई है, हम लिख सकते हैं, जानते हैं, पहले ही लिख लिया हमने। एक और चीज है, हमारी जो आइडियल गैस है उसके बारे में, ये चीज आइडियल गैस की ये एनर्जी हम लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन होती है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, गामा पता है ना, सीपी अपॉन सीवी, यस, एडियाबेटिक कोफिशिएंट, सर है ना। तो ये वही कहानी है, तो ये इंटरनल एनर्जी की बातें हो गई हमारी, ठीक है। सर जी चलो, फॉर्मूला है क्या इसका? हाँ, इंटरनल एनर्जी का आइडियल गैस के लिए एन सी वी डेल्टा टी, भाई उससे तो आया है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरह वगैरह कुछ चीजें, तो ये हीट होती है, वो एनर्जी तो होती है, इंटरनल एनर्जी बनेगी उससे, सर वही जी चीज है। नीचे लैम्डा है क्या? लेमडा कहाँ है लेमडा भाई, ये गामा गामा है, है। गामा 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 गामा, ओके सर। एडियाबेटिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये बात है, चलो हो गई ये बात। अब हम बात करते हैं भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स, वही एक सिस्टम है मेरे पास में, आपको पता है, आपकी जो एनर्जी है उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। जानते हैं ये बात हम बचपन से, यस सर, बढ़िया। तो ये इसी के ऊपर यस बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। यहाँ पर एक सिलेंडर में लेता हूँ, ठीक है, इसमें एक पिस्टन मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर मेरी कुछ ना कुछ गैस वैस होगी, है ना। सो इस गैस को मैं कुछ हीटर लगा के कुछ ना कुछ डेल्टा क्यू हीट में दे रहा हूँ। अब हीट दे रहा हूं तो इससे कुछ कुछ तो होगा, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है इसका, है ना। इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके मॉलिक्यूल्स इसकी दीवार से टक्कर करेंगे और ज्यादा तेज तेज, ठीक है ना, ये सारी चीजें पता है हमें। यस, डेल्टा की तो डेल्टा एच प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये टक्कर स्टार्ट हो गई, तो इस टक्करों की वजह से हमारा जो पिस्टन है हल्का फुल्का होगा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। यहाँ का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटा छोटी चीज, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसे कि मैंने बोला, हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, और ये दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो भाई साहब, हमने यहाँ पर इस सिस्टम की हीट बढ़ा दी, यानी कि इसको हमने एनर्जी दी डेल्टा क्यू से, ठीक है। सो अब ये डेल्टा क्यू हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये डेल्टा की जो हीट दी है हमने वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ जाएगी, और कुछ कुछ ये पिस्टन भी ऊपर भागा है भाई, यहाँ पर प्रेशर पी था और ये पिस्टन ऊपर भागा है, इसका एरिया मैं ए ले लेता हूँ, है ना। अब ये पिस्टन ऊपर भागा है तो क्या होगा, कुछ
ना कुछ वर्क होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ वर्क भी हो रहा है डेल डब्ल्यू की फॉर्म में, ठीक है ना। सो वी कैन राइट, जो हमने थोड़ी बहुत हीट दी थी वो कुछ तो काम आ गई हमारे टेम्परेचर को राइज करने में, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ ना कुछ काम आ गई वर्क करने में डेल डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, तो जो भी दोगे वो सबका सब काम आएगा, ठीक है। यस और नो, यस सर, है ना। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सिंपल सी बात हम जानते हैं, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इनके साइन कन्वेक्शन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, ठीक है ना। उससे पहले बातें करेंगे हम वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हाँ, अलग अलग फॉर्मूला क्यों है, वो साइन कन्वेंशन की वजह से ही है। यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारा वर्क डन बाय गैस है वो पॉजिटिव है, वर्क डन बाय सिस्टम या गैस पॉजिटिव लेते हैं हम, केमिस्ट्री में आई थिंक नेगेटिव लेते हैं इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है ना। तो वही चीज होती है बस। ऑलराइट, सो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सब कुछ लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्या फॉर्मूला आता है इसका, पता है क्या किसी को? यस, वही वाला वापस से, सिस्टम पिस्टन ऊपर भागेगा, गैस है, ठीक है, और इसको हमने स्लोली स्लोली हीटअप किया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा डी ये। डब्ल्यू हाँ, बराबर पी डीवी होगा ना। पीडीवी, सही बात है। तो डेल्टा एक्स से ये डिस्प्लेस कर गया हमारा, अच्छा, जो वेरियस प्रोसेसेस होती हैं आइसोकोरिक आइसोबेरिक वगैरह, इनके वजह से भी वर्क डन के फॉर्मूले सबको पता है क्या? वर्क डन फाइंड आउट कर रखा है क्या आप लोगों ने? यस, प्रेशर कुछ ना कुछ पी था यहाँ पर, है बच्चों, याद है क्या वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस? नहीं, तो वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है, इसका एरिया ए है, तो फोर्स कितना लग जाएगा, पापा पापा पापा, है ना, यही लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पी ए डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, एरिया, तो ये कौन होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। हमारा पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया तो वैसी बात है, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, ठीक है, जो कि डेल डब्ल्यू आ गया हमारे पास। तो डेल डब्ल्यू दैट इज पी वी टू माइनस वी वन। ये जबकि कहानी है जब हमारा यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है वो स्लाइट हुआ है, स्लाइट मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ठीक है। हमारा जो प्रेशर भाई साहब है वो क्या है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो पी प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, प्रेशर नॉट चेंज करता है जब कौन सी प्रोसेस हो जाती है? यस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोब्रेसिक प्रोसेस। अगर हमारा पी चेंज कर रहा होता तो फिर हम छोटा छोटा वर्क निकालते, छोटा 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 वर्क निकालते और उसका इंटीग्रेशन कर देते पीडीवी, ठीक है। हल्का सा प्रेशर चेंज हुआ, फिर हमने उसको
इंटीग्रेट किया, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, जोड़ा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना है ना। तो यहां पर जो प्रेशर है नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट ना हो तो इंटीग्रेशन से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? वर्क डन इन कॉन्स्टेंट आइसो, टेम्परेचर का, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। यस, थर्मल पिरासेस, आइसो थर्मल पिरासेस, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया भाई साहब यहाँ पर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यानी के पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से प्रेशर हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर पीवी हो गया हमारा कौन? कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। सो अब लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो V1 से V2 तक होता है और उसको हम PdV बोलते हैं। अब P भाई साहब हमारे क्या है? नॉट कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है। तो P की वैल्यू निकाल सकते हैं हम NRT बाय V, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, प्रेशर चेंज हो रही है तो दिस कैन बी रिटन एज V1 से V2 तक NRT अपॉन V इंटू DV। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट था, NR नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होते ही है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो W विल बी इक्वल टू NRT अपॉन 1 अपॉन V, V1 से V2 तक इंटू DV। 1 अपॉन V फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन अपॉन ऑफ 1 अपॉन V? यश श्रीमान, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx? 1 अपॉन x dx, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास बच्चों ln x, ठीक है। कुछ एक फंक्शन होता है x पावर n, ठीक है, ये स्लोप फंक्शन हमारे पास बन जाता है। तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपके नहीं हुआ होगा तो इसको भी जरूर बस जरूर करवाया जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। सो यहां पर ये चीज आ चुकी है हमारे पास, तो वी कैन राइट एन आर टी एल एन V1 से V2 तक, एल एन वी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने लगा दी, एल एन वी इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है यार ये, एल एन वी, V1 से V2 तक, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो W कैन बी रिटर्न एज डेल्टा W, जो कि वर्क आया हमारे पास एन आर टी एल एन V1 माइनस ऑफ एल एन V2। अब दो लोग फंक्शन माइनस में दिए हुए होते हैं हमें, तो उनको क्या करते हैं हम? एल एन ए माइनस एल एन बी, डिवाइड। यस, डिवाइड हो जाते हैं, ए अपॉन बी हो जाता है। तो वी कैन राइट हियर डेल्टा W दैट इज एन आर टी एल एन V1 अपॉन V2, ठीक है। यही है ना, V2 अपॉन V1 होगा भाई। अरे V2 अपॉन V1 होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, वर्क डन आ गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब एक चीज याद करो, जो हमने गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं भाई, गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या था? एन सी वी डेल्टा टी, है ना, यही था। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? जीरो। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है उसमें चेंज होता है हमारा शून्य, जीरो, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो वर्क डन आ चुका है हमारे पास, इसको एल एन हटाते हैं तो लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा W 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं।
सिमिलरली आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये भाई साहब जीरो हो गए यहाँ पर। तो जो टोटल हीट हमने दी वो पूरी की पूरी वर्क के अंदर काम आ गई, ठीक है। यस, पूरा का पूरा वर्क कर दिया उसके अंदर, है ना। तो ये कहानी है हमारी पास, ठीक है। आइसोबेरिक के अंदर सिंपली बता सकते हैं जल्दी से, आइसोबेरिक के अंदर क्या वर्क डन होगा? वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस यस, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क वाज V1 से V2 तक PdV, प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, पी भार आ जाएगा। V1 से V2 तक इंटीग्रेशन करेंगे dV का। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये PV, इसकी वैल्यू V1 से V2 तक। तो टेक एंड राइट डेल्टा W लिख दो इसको, तो डेल्टा W इज इक्वल टू PV2 - V1, है ना, V2 - V1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमें पता है डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर कोई भी चीज जीरो नहीं हो रही है आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ काम भी होगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ काम होगा, तो लिखते हैं चीजों को कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्यू और ये डेल्टा क्यू, एन सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया पी डेल्टा वी, ठीक है। प्रेशर हमारा हो गया कॉन्स्टेंट, क्लियर है। तो इस तरीके से ये चीजें हम लिख सकते हैं। यस बच्चों, अभी आप डेल्टा लिखते हो, जो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दी जाती है, एन सी पी डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं, है ना। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम हो रहे हैं सारे, तो है ना। यस सर, यस और नो? बढ़िया, तो ये कहानी हो गई हमारी, ठीक है। आज यहीं पर रोकें क्या? चलो आइसोकोरिक भी बता ही देते हैं, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन बताएगा जल्दी से? वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा इन आइसोकोरिक प्रोसेस, बताओ जल्दी जल्दी बोलो, ध्यान लगाओ। सर, वॉल्यूम जीरो। कांस्टेंट कर दिया, यस जीरो, वेरी गुड, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो, यानी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी को रेस करने में चली जाएगी, वी इनिशियल वी फाइनल पी डी वी, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस चेंज इज जीरो, डी वी जीरो, तो डेल्टा वी भी जीरो, है ना। So, ये कहानी जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई, तो वर्क डन हो गया शून्य, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया। डेल्टा क्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लियर है। यस यस सर, चलिए बढ़िया, तो फिर आज इतनी ही बात करेंगे, है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और आगे बढ़ाएंगे। हाँ बोलिए सर आज के पीडीएफ ग्रुप में सेंड म्यूट कर दीजिए। दीजिए। हेलो, आवाज टकरा रही है आप लोगों की। नोट ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ, ऑब्वियसली कर देंगे आपके नोट सेंड।